हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक और हॉल वीडियो के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। आज का जो शॉपिंग हॉल वीडियो है, एक्चुअली इसमें मिक्स है, कुछ ऑफलाइन शॉपिंग है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग है, मिक्स चीज़ें हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो कुछ अभी मैंने इसे रिसेंट खरीदा है, कुछ एक दो महीने पहले के खरीदे हुए हैं, और मैं बड़ा सिंपल आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आज बाल वाल, मतलब मैंने थोड़ा शाम को पूरा ऑयल वगैरह लगा के अपने हेयर को ऐसे चिपका लिया था, तो इसलिए आज थोड़ी डिफरेंट दिख रही होंगी। और ठंड लग रही है इसलिए ये जरूरी था। और मैंने आज ही अपने नेल्स कराए हैं, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। लोगों को दिखाया था कि मेरे जो नेल्स है ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो बनाना जरूरी था, तो इस बार गई हूँ मैं ये बना के आई हूँ। और मुझे अपने इसका जो इस बार कलर मैंने चूज़ किया ना, सोचते सोचते मुझे नहीं पता था कि अच्छा, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने इंस्टा पे भी शेयर किया, सबको फोटो शेयर किया। बताना कैसा लग रहा है कि मैं ऐसे ही खुश हो रही हूँ कि सबको अच्छी लग भी रही है कि नहीं। एनीवेज, तो चलिए नेल्स की बात खत्म करते हैं और आज की हॉल की बात करते हैं। तो हॉल जो है मेरा वो है मिक्स, इसमें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन जो है वो मैंने मिंत्रा से ली हुई चीजें हैं, तो एक एक करके मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पर्स दिखाती हूँ। तो ये पर्स, मतलब अगर कोई भी शादी पार्टी आप कुछ इंडियन पहनते हो, लहंगा हो गया, साड़ी हो गया, तो उसके उस पर्पज से ये बैग बहुत अच्छा चला जाएगा। तो ऐसे रेगुलर यूज़ में आप ये बैग यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन इस तरह का एक बैग मुझे लगता है पोटली डिज़ाइन में या फिर ऐसे डिज़ाइन में होता है सबके पास। मेरे पास भी एक दो है, लेकिन वो पोटली में है, जो ऐसे खींच करके ऐसे बांधने वाला, वो मेरे होम टाउन में है। तो इसका जो ये आपके जो ये हैंग करने के लिए हैंड में है, ये पूरा पर्ल है और बहुत अच्छी क्वालिटी के पर्ल्स है, मतलब ऐसा नहीं है चीपो टाइप नहीं है, अच्छी क्वालिटी में है। और बैग काफ़ी हल्का है और इसके अंदर कुछ इस तरह का है। आप इसमें कुछ कैश हो गया, अपनी मेकअप की एक दो चीज़ें जो ज़रूरी है वो, और साथ में अपना फ़ोन आराम से कैरी कर सकते हो। बहुत स्पेस है अंदर, बहुत अच्छा खासा स्पेस है। और तो ये बटन, मेन बटन ओपन करने से ये इतना ओपन होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको पूरा बैग ओपन करना है, तो यहाँ साइड में भी ऐसे बटन हैं, इधर भी है, और इस तरह से ये बिग ओपन हो जाता है। कुछ ऐसा है, इसमें पूरा जड़ी का जो है एम्ब्रॉयडरी जो है वो किया हुआ है, और बहुत अच्छा इसमें, मतलब जैसे शादी वादी का थीम होता है ना, हाथी घोड़ा उस तरह का कुछ बना हुआ है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। और मेन बात है कि जो कलर है, आराम से बहुत सारे ड्रेस आपके साड़ी लहंगा सूट वगैरह पे चला जाएगा। तो इसकी जो कॉस्ट और लिंक जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा, इसका सारा डिटेल्स नीचे मिल जाएगा। तो ये एक मैंने लिया था। एक और पर्स मैंने लिया था, तो मैं उसकी भी फ़ोटो वीडियो लगा दूंगी साथ साइड में, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, बट और वो महंगा भी था काफ़ी, बट मैंने ना उसको रिटर्न कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये था ना कि वो बैग ओपन ही नहीं हो रहा था। इवन मतलब मैं उसको लेके कैरी करके शादी में मैंने यूज़ कर लिया, ऑनेस्टली बताती हूँ आपको, लेकिन वो बैग ओपन नहीं हुआ। उसका बटन इतना टाइट था कि वो एक बार भी ओपन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि ये बार बार इतना, इससे अच्छा है कि इसे रिटर्न कर दिया जाए। तो मैंने उसको नेक्स्ट डे रिटर्न कर दिया था, बट उसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगी साइड में। अब आती हूँ नेक्स्ट। अब मैं वन बाय वन दो तीन ब्लाउजेज दिखाती हूँ। मैंने ना दो तीन ब्लाउज मिंत्रा से ऑर्डर किए थे। इससे पहले मैंने कुछ एक ब्लाउज का हॉल बहुत पहले डाला था, तो वो सारे जो ब्लाउज थे मीशो से थे, और कुछ मैंने ये ब्लाउज लिया है, ये तीनों के तीनों मिंत्रा से लिए हैं। तो सबसे पहले ये रेड ब्लाउज दिखाती हूँ, जिसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मे बी मैं आगे मेरे किसी हॉल में या शॉर्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा, तो टैग वैग वैसे ही लगा हुआ है। तो ये जो है स्टूडियो श्रीनगर बोलकर एक ब्रांड है उसका है, और ये फ्री साइज मुझे आया था, तो मैंने अभी इसे ट्राई भी नहीं किया है। तो इसका जो किनारा, आपको इस तरह का लेस मिलेगा पूरे में, ये थ्रेड है, और नीचे कुछ ये वाला ऐसा वाला वर्क, मतलब इसे क्या कहते हैं, ये लगा हुआ है नीचे। तो रेड कलर है, तो काफ़ी सारे साड़ी के साथ है, बहुत आराम से ये चला जाएगा। तो कभी ट्राई करूंगी तो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी, और इसका प्राइस भी आपको मिल जाएगा। देखने में बहुत सुंदर लगा, और इसके साथ में स्लीव नहीं है पीछे जो, और सामने से ये ऐसे राउंड है जो कि पूरा लॉक रहेगा, आपका गला पूरा भरा रहेगा, इस तरह का कुछ डिज़ाइन है। ये स्लीव आप देख लो, इसके साथ में ना स्लीव नहीं है, ये ऐसा ही है। तो अगर जो स्लीवलेस नहीं पहनते हैं तो वो शायद ये ब्लाउज यूज़ नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज इसका लुक कैसा आ रहा है, मैं डेफिनेटली आप लोगों को जल्दी ही मिलेगा इसका हॉल या कोई भी शॉर्ट वीडियो।
वो भी रेड में ही है, इस तरह का इसमें गोल्डन सा इस तरह का प्रिंट है, इसका स्लीव सिंपल सा है और ये यहाँ तक आता है। लुक इसका भी पीछे से भी ऐसे बंद सा है और सामने भी बंद है, सिंपल ब्लाउज है बट पहनने पे बहुत सुंदर इसका लुक आ रहा था। और इसके बटन्स जो भी है वो पीछे दिए हुए हैं, सामने नहीं है। ये भी फ्री साइज में है, आप लाओगे तो इसको अपने साइज का आपको करना पड़ेगा। और इसमें ऐसे कप दिया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हैवी कप है, तो बहुत अच्छा मतलब शेप बहुत अच्छा आता है। तो ये ब्लाउज़ जो मैंने पहना था अभी रिसेंट येलो साड़ी के ऊपर में, तो मैं इसका साइड में पिक्चर और वीडियो लगा दूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा लगता है। और इसका लिंक और प्राइस जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो इसे मैंने एक दो बार तो पहन ही लिया है, ओवरऑल ये ब्लाउज मुझे ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर साड़ी वाड़ी अक्सर पहनते हैं तो रेड ब्लाउजेज की जरूरत पड़ती ही है, मतलब अगर साड़ी पहनते हो तो आपको रेड ब्लाउज आपके पास होगा ही, तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हो। उसके बाद आती हूँ मैं लास्ट थर्ड ब्लाउज पे, तो ये है ऐसे मतलब बिल्कुल जो रानी कलर वाला जो होता है ना वैसा पिंक है ये, और इस तरह का गोल्डन का इसमें प्रिंट है। ये भी आप किसी शादीवादी में आराम से पहन सकते हो, और इस मतलब शादीवादी में पहनने के लिए, और ये भी जो है बिल्कुल एथनिक पार्टी वेयर टाइप है कि आप थर्ड ब्लाउज जो कि बिल्कुल ऐसा पिंक कलर में है, इसमें शायद दूसरा कलर नहीं था, और सामने इसको इस तरह के बटन्स हैं, कपड़े वाले जो बटन बनते हैं ना वैसे है, तो ये ओपन नहीं होता है, ये ऐसा फेक डिजाइन सा है। और पीछे इसके बटन है, पीछे जो है यहाँ से ये हुक दिया हुआ है और ये ओपन होता है, और पीछे भी इस तरह के डिजाइन है और तीन बटन है टोटल। तो इसमें जो यूनिक बात है ना वो नीचे का शेप आप देखो, ये इस तरह का कुछ शेप आता है पीछे से और आगे से, दोनों साइड से ही इसका शेप थोड़ा सा ये ऐसे जाता है वी शेप में इस तरह से, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। तो और इसका स्लीव बिल्कुल सिंपल है, जो यहाँ तक आएगा आपको ये स्लीव, और साथ में ये डोरी दिया हुआ है जो कि जड़ी वाला जो होता है ना गोल्डन थ्रेड जो है वो है। तो ओवरऑल ये वाला भी मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, अच्छा लगा। और अगर आपकी साड़ी प्लेन सी है और बहुत सारे कलर की साड़ियों के साथ में बहुत आराम से चला जाएगा, येलो के साथ तो बहुत अच्छे से जाएगा, तो अगर आपकी साड़ी सिंपल है तो आप इस ब्लाउज के साथ में उसको कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आने वाला है। इस ड्रेस के ऊपर में, इस ड्रेस पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, रील बनाया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ऑफलाइन शॉपिंग है, इसे मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था और ये मडामे ब्रांड का है, तो ये थोड़ा सा महंगा है। जब मैंने इसको पहना था ना संगीत वाले दिन एक्चुअली पहना था, तो उस दिन मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी और उस दिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अच्छे मतलब हेयर कर्ल वर्ल करके मेकअप करके बकायदा अच्छे से रेडी हुई थी। बट पता नहीं कैसे क्या हुआ कि एक भी फ़ोटो मेरी क्लिक ही नहीं हुई है उसमें कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, और एक दो फोटो है भी अगर तो वो ग्रुप में है, अब कहीं बैठे हुए हैं ग्रुप में है, सब क्लोज है, तो इसमें लुक नहीं आ रहा। वो दिखता तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करती, इसलिए मैंने एक उस वीडियो मतलब वो लुक रिक्रिएट किया, वीडियो बनाया, लेकिन वो इतनी हड़बड़ी में मैंने बनाया था ना कि बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। तो खैर मैं वीडियो तो साइड में लगा दूंगी। अदरवाइज ये ड्रेस जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब इस ड्रेस का जो क्वालिटी है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सामने से देखते तो ये समझ में आता कि ये ड्रेस सच में एक मतलब पीस है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये ड्रेस इसमें सामने। और सबसे बड़ी बात है ना कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा हैवी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा बोल्ड भी नहीं है, सिंपल सा आपका गला पूरा लॉक रहेगा, और ये जो दिख रहा है ना ये कुछ इस तरह से आपका ये पोर्शन हल्का सा दिखेगा, और पीछे का जो ये आपके बैक पे आएगा ना ये बहुत अच्छा लुक दे रहा था। और इसका जो शेप है वो पूरा फिश कट जो होता है ना वैसा है, आपको साइड में दिखेगा। अब अगर मुझे ऑनलाइन कहीं दिखता है तो मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ में इसमें जरूर शेयर करूंगी, पिक्चर भी अगर शेयर कर दूंगी। और इसमें पीछे जिप है, कॉस्ट तो थोड़ी सी है, थोड़ी महंगी है ये, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, और ये ब्रांड है मडामे ब्रांड के कपड़े थोड़े महंगे तो होते हैं, तो ये अराउंड 5000 के आसपास आया था और बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, तो इसकी वजह से मुझे कोई डिस्काउंट भी इस पर नहीं मिला था, तो मैंने ये ले लिया था। इसमें दो कलर थे, एक तो ये था और एक शायद ऑलिव कलर था, मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर आप लोग स्टोर पे चेक करोगे तो आपको दो कलर में ये मिल जाएंगे। इसका कहीं भी लिंक मिलता है, बाइंग लिंक वगैरह या ऑनलाइन कहीं भी दिखता है तो मैं शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ में। तो ये था एक ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, मैक्सी ड्रेस, जो भी आप बोलो,
उसके बाद ये वाला जो सूट मैं आप लोग शेयर करने जा रही हूँ ये भी ऑफलाइन ही है, और ये ग्रीन कलर अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो ये लास्ट मिनट मैंने परचेज किया था। सुबह हम लोगों को शादी में जाना था और रात में खाना वाना बना के मेरे घर में गेस्ट भरे हुए थे, इन लॉज आए हुए थे, ननद आई हुई थी मेरी, और मैं रात में गई हूँ बस आधे घंटे के लिए। अब मैंने बस देखा कि कुछ भी ग्रीन दिख जाए मैं उठा लूँगी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत पसंद किया, ढेर सारा देखा और मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, बस एक यही था ही। और एक वेलवेट गाउन दिखा था जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आया और बहुत महंगा भी था, तो ये जो है वहाँ मैनिक्विन में पहनी हुई तो मैंने उसे निकलवाया, क्योंकि इसका जो साइज था वो सारे एक्सल थे। मैंने मीडियम ट्राई किया तो मीडियम मुझे जो है वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, लूज हो रहा था, तो मैंने स्मॉल में लिया। ये स्मॉल आप देख सकते हो, और पता नहीं ये कौन सा ब्रांड है, कशिश ब्रांड है, आई डोंट नो कशिश का है ये, शॉपर स्टॉप से ही मैंने इसको भी लिया। तो स्मॉल भी मुझे लूज हो रहा था जब मैंने सुबह पहना, तो ये मुझे लूज हो रहा था, बट जब मैंने शादी में पहन लेने के बाद ना, आप देख सकते हो इसमें बस एक प्रॉब्लम मुझे यही लगी, आप ऐसा कुछ कपड़ों के साथ होता है, आप देखोगे यहाँ पर इस तरह के, तो ये इसमें बस यही है कि आप बिना आयरन के ये कपड़े नहीं पहन सकते हो। तो इसको मैंने बस पानी में ऐसे डिप करके निकाल दिया था, और ये आप देख सकते हो थोड़े क्रश वगैरह इस तरह के पड़ गए हैं। कुछ कपड़े होते हैं कि वॉश करने के बाद भी इतने क्रश तो नहीं पड़ते, तो इसमें पड़ गए हैं। और दूसरी बात, जब मैंने इसे अभी हॉल मतलब वीडियो बनाने के लिए मैंने दोबारा पहना इसे, तो ये मुझे फिट आ रहा था, इसका मतलब कि थोड़ा सा ये श्रिंक हुआ है, तो अगर उस दिन मुझे पूरा फिट होता तो आज शायद टाइट हो जाता। तो और दूसरी बात है कि ये मुझे उस समय तो मैंने हड़बड़ी में ले लिया था, बट बाद में पहनने पर इसका लुक मुझे अच्छा लगा, और ग्रीन भी ऐसा है ना, इतना डार्क ग्रीन जो है ये मुझे काफ़ी पसंद है ये कलर। सूट है ये ऐसे लॉन्ग में है इसके, और इसका मेन फैब्रिक जो है ऐसे देखो आप, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा है अंदर, इस तरह का कॉटन में ही आपको इनर मिल जाता है, और स्लीव जो है ये क्वार्टर स्लीव है, यहाँ तक आएगा इसकी लेंथ, और इसमें इस तरह का जड़ी का वर्क है, वर्क इसका बहुत ही अच्छा, बहुत फाइन वर्क है, सामने गले पे भी आप देखोगे ना इतना भरा हुआ सा वर्क है, तो इसका वर्क मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। और नीचे कोई वर्क नहीं है, सिंपल है, और वो पीछे भी सिंपल है, तो मिला जुला कर इसका जो लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो लोअर है वो इस तरह प्लाजो पैंट कट में है, इस तरह चौड़ा सा है, और इसमें ऐसे इस तरह के प्रिंट है, गोल्डन में ही है पूरे में। तो ये रहा इसका पैंट, और इसके साथ में दुपट्टा है जो कि वो भी ग्रीन ही है, और प्लेन है इस तरह नेट में, और बॉर्डर पे इस तरह का जड़ी वाला इस तरह का लेस लगा हुआ है। तो ये था सूट जो कि मैंने ऑफलाइन लिया था, आपको अगर लेना होगा तो आप शॉपर स्टॉप में जाओगे, कशिश में देखोगे तो आपको मिल जाएगा अगर आपको पसंद आया तो। अब लास्ट पीस मैं दिखा रही हूँ, ये अगर आप मेरे ब्लॉग मेरा चैनल देखते हो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, इसको आपने मेरे दिवाली ब्लॉग में देखा होगा, इसका मैंने शॉर्ट्स बनाया था उसमें देखा होगा, और फिर मैंने एक लुक रिक्रिएट किया था उसमें देखा होगा, इंस्टा पे भी डाला था तो वहाँ पे भी लोगों ने देखा है। तो बस मैंने इसका हॉल नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा उसे ही बना देते हैं, और इसके पीछे सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि मैंने ये दिवाली पे खरीदा था, तो दिवाली को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया था, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, तो काफ़ी तारीफें मिली थी मुझे इस सूट के लिए। तो ये कुछ ऐसा है ब्लू कलर का, अब आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग को याद आ गया होगा। तो ये ऐसा लूज सा, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अभी वीडियो में मैं ओपन कर रही हूँ तो फिर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इसमें ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का थ्रेड वर्क है, प्लस ब्लू कलर के इस तरह के जो सितारे बोलते हैं वो लगे हुए हैं बीच बीच में, और यहाँ से ये स्कर्ट की तरह लूज है, और पूरे में ये चिकन की तरह आपका थ्रेड वर्क मिलेगा पूरे में, आगे पीछे लूज सा इस तरह से फ्रिल है बहुत अच्छा सा, नेक इसका बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है, इसलिए मुझे ये बात अच्छी लगी कि इसका नेक जो है वो बंद है, दुपट्टा अगर ना हो तो नेक जितना सेफ रहे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे सही लगता है। तो ये था इसका ऊपर का जो सलवार, सॉरी कमीज जो बोलते हैं, इसका जो सलवार है ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो यहाँ मिलेगा इलास्टिक, बहुत अच्छा इलास्टिक है, और सेम वर्क जो कि आपके सूट में ऊपर है, सेम वर्क जो है आपको पजामे में भी मिलेगा, और ये जो है पजामा नहीं, एक्चुअली इसको गरारा बोलते हैं। तो यहाँ से
तो यहाँ से इस तरह से प्लेन मतलब से ऐसे सीधा स्ट्रेट आता है और यहाँ से पूरा ऐड हो जाता है। फ्रिल काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा इसमें फ्रिल है, तो पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर इसका लुक आता है। तो मैंने जब इसको दिवाली पे ऑर्डर भी किया था ना, तो मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मुझे बाद में चल के ये जो गरारा या शरारा जो भी कहते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा गरारा शरारा में, तो मुझे इतना ज्यादा पसंद आएगा। तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और ये मैंने मिंत्रा से लिया था। इसका लिंक मैंने पहले भी शायद प्रोवाइड किया हुआ है अपने शॉर्ट्स में, फिर से मैं डाल दूंगी। तो ये वाला जो है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें शायद दूसरा कलर अवेलेबल नहीं था, ब्लू ही कलर था। और तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट। तो मैंने अभी रिसेंटली ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग किया है, तो मैं अभी हॉल के लिए अलग से कुछ नहीं ऑर्डर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जितने भी ये शॉपिंग है वो मिलाकर, मतलब जो मैंने स्वीडन में किया था, जो मैंने यहाँ किया है, जो मैंने शादी के लिए किया है, जो मैंने ठंड के लिए किया, तो सबका धीरे 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 एक एक करके आप लोगों के सामने हॉल ला रही हूँ। तो ये थर्ड हॉल है जो मेरे शॉपिंग का है। एक मैंने विंटर शॉपिंग का किया था, उसके बाद फिर अभी मैंने मिंत्रा का किया था, फिर एक मैंने ज्वेलरी का किया था, और अभी ये फिर से मिंत्रा एंड ऑफलाइन दोनों को मिक्स करके किया है। तो ये थे सारे प्रोडक्ट। तो आप लोग बताना इसमें से कौन सा प्रोडक्ट